नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स एंड मिसा। और पिछले सेशन में आपको पढ़ाया था हमने नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति में पर टाइप चलना था। ठीक है, ये आपने चला था रिमाइंडर। इसका फर्स्ट है, फर्स्ट सेशन हो गया था, सेकंड सेशन हो गया था, आज इसका लास्ट सेशन थर्ड सेशन है और आज इसको कंप्लीट करेंगे रिमाइंडर फॉर्म। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और मुझे अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछे जाते हैं, सीडीएस सीजीएल वगैरह में पूछे जाते हैं, अच्छे कॉम्पिटिशन लेवल पे पूछे जाते हैं। आज वो क्वेश्चन लेंगे हम। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो नॉर्मल, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन थे, ठीक है। आज थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं हमारे, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़ा था उनमें डिफरेंस क्या होता था, एक का ही होता था। लेकिन कुछ क्वेश्चंस कभी कभी वैसे आ जाते हैं कि डिफरेंस बहुत ज्यादा का होगा। जैसे हमने ले लिया 2 की घात 31 बटे 5, यानी 2 की पावर 3 31 और अपॉन कितना होगा 5। अगर इसका रिमाइंडर देखना है तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि इसका रिमाइंडर बचेगा 3 बचेगा 3 पावर 31, को हम करना पॉसिबल नहीं। तो हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या, या तो हम इसके नियरेस्ट देखें, ऐसा कौन सा नंबर है इस 2 में जो क्या हो 5 से एक कम हो या एक ज्यादा हो। तो हमने देखा कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 क्या होता है 5 से एक कम होता है। तो क्या करना है, 2 की घात 1 को अलग कर लेंगे और 2 की घात 30 को अलग कर लेंगे, ठीक है, और 5 से डिवाइड कर लेंगे। अगर हम यहां पर देखा जाए तो हमें ये दिखता है कि 2 की पावर 30 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 पूरी की घात 30 बटे 5। तो यहां पे हमें ये मिला है कि 2 की घात 1 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4 पूरी की घात 15 डिवाइड बाई 5। अगर हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 5 से अगर 4 को रिमाइंडर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर माइनस करेगा। और अगर -1 पे पावर कितनी है, सम है या विषम है, तो बता दिया आपको पहले भी कितना आता है, हमेशा माइनस का 1 आता है अगर उसकी पावर विषम लगती हो, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा हमारा, -1। जबकि हम आपको पहले ही बता रखा कि रिमाइंडर कभी भी आपका माइनस में नहीं होता। जब माइनस में नहीं होता क्या करना है आपको, जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उसमें से माइनस कर देंगे, तो यानी हमारे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना हो गया हमारा, 3 हो गया, इसका आंसर होगा। लेकिन हमने ये देखा कि ये मैथ बहुत ही डिफिकल्ट है। सपोज दैट अभी तो हमें पता चल गया यहाँ पे पावर 31, लेकिन अगर ये 31 हमें पता ही नहीं चले, यहाँ पे अगर हम 231 ले या ऐसा नंबर ले लेंगे जो पहचान में ही ना आए, नीचे कोई ऐसी संख्या ले लें जिससे अंदाजा ही ना लगा पाए कि ये कितना होगा। सपोज दैट हमने ले लिया 7789 बटे 9, ठीक है। तो हमें ये पता चला 2 की घात 8, यानी अगर हम 2 को 8 में चेंज कर लें तो ये हमारा क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ये मेथड थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, तो हम आपको आज एक नया मेथड सिखाएंगे, बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला मेथड, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन 5 या 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। इसको अगर हम फ्रैक्शन में जोड़ते हैं तो काफी टाइम लगता है, ठीक है। आज नए कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको इस टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए इस मेथड का नाम है टोसेंट मेथड। क्वेश्चन मैटर से हम निकालेंगे रिमाइंडर। अब देखिए क्वेश्चन मेथड है क्या, जैसे
कोई भी संख्या ले ली हमने a, कोटोसेंट d है अपॉन d इक्वल टू इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा. ठीक है, ये कोई भी रिमाइंडर अगर a की पावर t अपॉन d दिया है तो उसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 होगा. यानी इसका अगर कोटोसेंट दिया है d a की पावर t तो उसका रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा. इसको फॉलो कैसे करेंगे, सपोज दैट जो क्वेश्चन अभी हमारा था 2 की पावर 31 अपॉन 5 उसका कोटोसेंट देखना है ये कितना होगा. तो कोसेंट कैसे निकालें, पहले कोसेंट निकालना सीख लीजिए, कोसेंट निकालेंगे कैसे. ठीक है, जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, पहले हम कोसेंट को समझ लेते हैं कोसेंट निकालते कैसे. जैसे हमारा कोसेंट और सपोज दैट साफ. ठीक, अब कोसेंट निकालते कौन सी संख्या है, जैसे हमने लिखा 2 की घात 30/7 तो कोसेंट हमेशा नीचे वाली संख्या का निकालते हैं. ठीक है, तो नीचे वाली संख्या लिखनी है 7. अब इस 7 का कोसेंट कैसे निकालें, जैसे हमने लिखा 7, अगर इसका कोसेंट निकालना है तो हमें क्या करना है, 7 × 1 − 1/7. ठीक, अब यहां से कितना हो गया 7, ऐसे में 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा 6/7, यानी इसका जो कोसेंट आएगा कितना आएगा 6 आएगा. इसी तरह अगर हमें किसी और नंबर का निकालना है, सपोज दैट किसी ने दिया गया हो आपका 11 और ये कोसेंट कब निकलेगा इस टाइप से, जब ये दोनों कैसे हो को प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इसका मतलब होता है हिस्सा है अभाज्य संख्या. सहअभाज्य संख्या का मतलब है ऐसे नंबर जिनका एफसीएफ मतलब मासा कितना हो 1 हो, या उनका डिफरेंस कितना हो, यानी मासा का जो डिफरेंस हो 1 होना चाहिए. अगर हम 2 और 7 का अगर मासा देखेंगे तो इनको डिवाइड करने वाली 1 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, वही क्या हुआ इनका मासा होगा. और ये दूसरे से क्या होंगे, अभाज्य होंगे, यानी ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता, ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता. तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या. ठीक है, तो मेन चीज यही समझनी. तो इसका जो कोसाइन निकलता है हमेशा इसी तरह से निकलता है. सपोज दैट हमने लिया कोई भी नंबर को रिमूव करते हैं. ठीक है, अगले को उसमें समझाते हैं थोड़ा सा. ठीक है, देखिए कैसे निकालना है. जैसे हमने लिखा 31 की पावर 31/11. ठीक है, तो इस 11 का कोसाइन कैसे निकालेंगे, ये दोनों कैसे हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम सह अभाज्य संख्या. जब ये को प्राइम नंबर है तो 11 का जो कोसेंट होगा कितना होगा, 1/11 11 इंटू कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो 10/11/11 कितना होगा 10. अब देखिए याद में क्या रखना, पिछली वाले में अगर कोसेंट 7 था तो जो हमारा कोसेंट है नीचे वाली संख्या 7 थी तो कोसेंट कितना आया 6, अब नीचे वाली संख्या 11 है तो कोसेंट कितना आया 10. तो हमें क्या दिख रहा है कि जो को प्राइम नंबर है यानी सहअभाज्य संख्या है उनका कोसेंट हमेशा क्या आ रहा है, 1 कम आ रहा है. तो नोट करके आपको ध्यान रखना है कि यदि d का मान सह अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य का मतलब को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है तो उसका कोसेंट हमेशा 1 कम आएगा. ठीक है, यानी अगर कोई भी नंबर नीचे वाला को प्राइम है मतलब अभाज्य संख्या है सह अभाज्य संख्या है दोनों, तो उनका कोसेंट हमेशा क्या आएगा, 1 कम आएगा.
हमेशा एक कम आएगा, ठीक है। सीधे सीधे आप बोल रहे हैं याद रखो, अगर कोसेंट ग्यारह है तो कितना आएगा, दस आएगा। अगर ये सत्रह दिया है तो कितना आएगा, सोलह आएगा। अगर ये पंद्रह दिया है तो कितना आएगा, पंद्रह में वो तो डिवाइड हो जाएगी, मैक्सिमम नंबर है। अगर हमारा सपोज डेट दिया हो ट्वेंटी सेवन दिया, ट्वेंटी सेवन भी डिवाइड, अगर हमारा दिया हो ट्वेंटी नाइन तो उसका कितना आएगा, ट्वेंटी एट कोसेंट आएगा। तो जितने भी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका टोसेंट टोसेंट हमेशा क्या आता है, एक कम आता है। तो इतनी सी बात हमें याद रखनी। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। दो की घात इकतीस, ठीक है, दो की घात इकतीस बटे पांच, इसी क्वेश्चन को हमने देखा था कि इस क्वेश्चन को करने में काफी टाइम लगा था। अब आप देखिए अगर हम टोसेंट निकाल के करते हैं कितनी आसानी से कर सकते हैं। अगर हम इस पांच का टोसेंट निकालें तो पांच का टोसेंट कितना होगा, वन माइनस वन अपॉन फाइव, यानी अगर आप फाइव इंटू कितना लिख सकते हैं, फोर अपॉन फाइव, डिवाइड करिए कितना बचेगा टोसेंट, फोर। यानी इसका जो टोसेंट आया है कितना आया है, फोर आया। अब हमें यहाँ से ये पता चला इसका टोसेंट कितना हुआ, यहाँ से एक कम होगा, यानी हमें पता चल गया फोर प्राइम नंबर का टोसेंट हमेशा एक होता है, एक कम होता है। तो हम चाहें तो यहाँ से दो की घात इकतीस को चार से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि टोसेंट कितना है, फोर। अगर हम चार से डिवाइड करेंगे तो चार सत्ते अट्ठाईस, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तीन। और दो की घात तीन का बी वैल्यू कितनी होती है, आठ। और आठ को अगर पांच से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जो कि क्या था हमारा उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से कितनी आसानी से हम निकाल सकते हैं अगर हमें टोसेंट पता चल जाए। तो टोसेंट कैसे देखेंगे, सीधे नीचे वाले नंबर को क्या करेंगे, वन एक कम कर देंगे जो हमारा टोसेंट होगा, और जो पावर लगी होगी इसको चार से डिवाइड कर देंगे और सीधे पता चल जाएगा कि उसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को, और बहुत ही अच्छा मेथड है, आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिए उस चीज को। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं फिर इसी बेटा, ठीक है। जैसे अभी हम क्वेश्चन है टू दी पावर फोर्टीन डिवाइड बाई सेवन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब हमें ये याद रखना है इसका टोसेंट क्या। इसी क्वेश्चन को हम वैसे बनाएंगे बेसिक मेथड से, ये कितना टाइम लगता है, हम इसको ऐसा बनाएंगे इससे कम रहे एक से एक ज्यादा है। तो यहां से हमने देखा सात, तो अगर हम दो की पावर तीन लिखते हैं तो उसका वैल्यू कितनी होगी, आठ। इसको हम लिख सकते हैं दो की पावर एक इंटू दो की पावर दो और पूरी की पावर दो की पावर तीन और पूरी की पावर कितनी हो जाएगी, सिक्सटीन। क्योंकि सोलह की अड़तालीस और एक उनचास, ठीक है, हमने चेंज कर लिया और कितना हो जाएगा इसमें, पहले तो इसे सोचने में ही टाइम लगेगा कितना कितना डिवाइड करें, ठीक है। क्योंकि जैसे सपोज है यहाँ पे हमने लिखा 48, तो हमें इसको फिर से तोड़ना है, तो यही तोड़ने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, 48 अपॉन 7। अब इस 48 को हम क्या लिख सकते हैं, दो की घात तीन और पूरी की घात कितनी होगी, 16। अब दो की घात तीन को हम कितना लिख सकते हैं, आठ, पूरी की घात 16 डिवाइड बाई 7। तो उसे अगर सात को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, सात ही आएगा। अगर आठ को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर एक आएगा, पूरी की घात 16। तो इसका आंसर कितना होगा, टू होगा। अब देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है इस चीज को करने में, अगर हम यही प्रोसेंट निकाल के करें तो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल आराम से ऐसे ही बता सकते हैं कि रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको मिटा दें, ओके। चलिए देखिए अब इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमें यहां से लिखना है कि प्रोसेंट जो होगा इससे एक कम होगा, यानी माइनस का एक कर देंगे सीधे कितना बचेगा, छह। हमें टोसेंट पता चलेगा, अगर हम छह से इसको डिवाइड कर दे तो छह अड़तालीस, यानी रिमाइंडर कितना बचे आएगा, एक बचे आएगा। अगर हम छह से इसको डिवाइड करेंगे तो अड़तालीस हो जाएगा, अड़तालीस में से उनचास में से अड़तालीस जाएगा, रिमाइंडर कितना बचे, एक डिवाइड बाई सेवन। तो यहाँ पे कितना बचा, दो। और दो से अगर सात को डिवाइड करेंगे, सात दो को अगर सात से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वही हो जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर आ गया। इतना आसान से हो गया, तो हमें यहां से पता चला कि कोसेंट मेथड इसके लिए बहुत ही फायदेमंद है अगर हम किसी क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि उसमें करने में इतना टाइम लग गया कि आप करते करते ही थक जाएंगे। तो इससे हम अगर करते हैं इस मेथड से तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व होता है, ओके। चलिए ठीक, समझ में आया, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये है, और इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सेम वही मेथड, इसका कोसेंट निकालेंगे, कोसेंट कितना कम होगा, एक कम होगा, टोसेंट हो जाएगा छह। अगर हम छह से पचास को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, दो की घात दो,
और दोगी घात दो का मतलब चार, क्योंकि छह थे अड़तालीस से इस पर दो मिल जाएगा यानी घात कितना हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या होगा चार होगा, इसका जो रिमाइंडर होगा कितना हो जाएगा चार बचेगा। बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, कोई टाइम नहीं लगेगा, बस कोसेंट हमें निकालना, कोसेंट कितना आ गया छह आ गया और कितना आ गया आंसर हमारा चार, ठीक है। इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिमाइंडर। अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, कमेंट में बताइए कि टेस्ट लग रहा है सर थोड़ा सा, लेकिन प्रॉपर चीजों को समझिए। मैं इतना इजी बेसिस लेके चल रहा हूँ जिससे कि आपको पूरी पूरी तरह से समझ आ सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़े थे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ये आपके लिए। और इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमने देखा कि ऊपर 3 घात 102 और नीचे 11 है, तो इस क्वेश्चन को समझते सोचते ही आप थक जाएंगे कि कितना ये करें इनका डिफरेंस एक है, कुछ नहीं देखना आपको, देखना के नीचे वाली संख्या और इसका कोसेंट कितना आएगा, क्योंकि ये भी कैसी अभाज्य संख्या है, ये दोनों कैसी है सर्वाभाज्य संख्या है, तो इसका जो कोसेंट आएगा माइनस एक कर देंगे, ये कोसेंट कितना आएगा 10 आएगा, और इस 10 से अगर हम 102 को डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचे आएगा 2 बचे आएगा, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3 की घात 2 यानी 1, ये हमारा सिंपल हो गया। बस कोई टाइम नहीं लगता, हमें देखा उन्हें तो लगा देंगे, माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हो, 5 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आया हुआ, और ये रिमाइंडर का लास्ट क्लास है, क्योंकि काफी टाइम भी हो गया रिमाइंडर को चलाते हुए और सारे मेथड समझा भी दिए, तो आई थिंक आपको आई होप पूरी पूरी तरह से समझ में आया हुआ। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन प्लीज आप भी इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि काफी अच्छा क्वेश्चन होता है, और सभी एग्जाम में कभी कभी इसी के क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो नंबर सिस्टम का पार्ट, लेकिन कभी कभी सिद्धि एग्जाम में भी आ जाता है, लेकिन हमें करना क्या, ये एक तरह से अलग सेशन ही है रिमाइंडर फिल्म, तो प्लीज समझिए जानिए चीजों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये, अब इसमें हमें एक का डिफरेंस दिया नहीं है तो पता ही नहीं चल रहा है इसका रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा नीचे वाली संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या, ऊपर वाली संख्या कैसी है अभाज्य, तो दोनों को प्राइम नंबर, जब को प्राइम नंबर है तो उसका कोसेंट कितना आएगा माइनस का एक का माइनस, तो कोसेंट कितना आएगा चार। अब हमें कोसेंट चार मिल गया, तो चार से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, चार दुनिया चार एकम चार, यही रिमाइंडर कितना बच जाएगा 43 की घात 2, ठीक है। अब यहां से देखिए, अगर हम 43 × 43 करेंगे और इससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहां से कितना बचेगा 5 × 40 यानी 3, 5 × 40 यानी 2, यानी रिमाइंडर कितना हो गया 9/5। अगर डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 4। बस कुछ नहीं करना, सीधे बस यही देखना है रिमाइंडर कितना बचे, बस अब 2 बच गया, अब यहाँ से 3 बचा यानी 9 बचा होगा, 9/5 से फिर डिवाइड कर देंगे रिमाइंडर कितना होगा 4 होगा, बस ये हमारा आंसर होगा। तो समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा मेथड है आप क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं, ओके ठीक है, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, और उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं नीचे देखूँ कि 5 है और दोनों कैसे हैं को प्राइम नंबर, तो माइनस का एक करेंगे, यानी अगर हम कोसाइन देखेंगे तो कितना बचेगा 4, और 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 × 32 कितना बचा 2, कितना हो गया 23, फिर 4 × 20 यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 3, और 3 की घात 3, ये 3 की घात 3 का मतलब 27 बचेगा, और 27 को अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 4 × 5 = 24 और 5 × 25 तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। बस कुछ नहीं देखना है, कोसाइन देखना है, कोई भी टाइम नहीं लगता आपको, ठीक है। तो समझ में आया होगा आई थिंक, और हाँ आप लोग कहते हैं कि आप जल्दी मिटा देते हैं या बोर्ड के सामने आ रहे, तो प्लीज देखिए अगर हम कोई सवाल क्वेश्चन करते हैं तो आप उसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करिए इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए और बस वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखते रहिए, और जहां पे समझ नहीं आ रहा पहले तो मैं हट ही जाता हूँ, आप आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है। इतना टाइम देता हूँ, अगर आपको पता है कि टाइम कम है तो आपको करना उसको स्क्रीन शॉट लेके रख लेना और फिर बाद में समझ लेना है वीडियो के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आई थिंक,
चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए रही है, आप कैसे करेंगे उस क्वेश्चन में? हमें देखा 29 ऊपर 90 है, तो दोनों को प्राइम नंबर है, नेबर है, इसका कोसाइन देखेंगे, कोसाइन कितना होगा 28 होगा, 28 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 28 दूनी 56 20 टाइम्स में 560 तक डिवाइड होगा, 560 तक जब डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी आंसर हमारा कितना होगा 19 होगा। कोई भी टाइम नहीं लग रहा, बस देखते ही लगा देना कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो 19 होगा, समझ में आया होगा। अगर वैसे देखेंगे आप तो कभी भी इनका डिफरेंस 1 नहीं ला सकते, अगर आ भी जाएगा तो बड़ी मुश्किल से आएगा, तो प्लीज इस मेथड को सीखिए और बहुत आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख और नोट भी कर लीजिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं लगभग सारे आए हुए हैं पेपरों में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या करना है, फिर वही तरीका अपना, दोनों को प्राइम नंबर है, यानी हम इसका कोसाइन देखेंगे तो कितना हो जाएगा 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, यानी अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 256 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो 16 होता है तो 256 यानी रिमाइंडर कितना बच गया 3 बच गया, 3 × 2 यानी आंसर कितना होगा 9 हो जाएगा, तो ये इसका रिमाइंडर होगा और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, बाई दिन समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल बेसिक से समझाया है इसलिए मैंने, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं आपकी आप लोगों को समझ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर वही तरीका अपनाना है, माइनस का वन करेंगे तो सेंट कितना आएगा 12 है, और 12 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 12 × 24 12 × 12। ठीक है, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5 × 2 13 5 × 2 का मतलब 25 13, और 13 से अगर 25 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना होगा 12, यानी हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 12 बचेगा, और ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी तरीका है क्वेश्चंस को करने का, और आई थिंक आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रिमूव करते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन को हम इतनी आसानी से 2 सेकंड पे थ्रू कर सकते हैं, वैसे तो इस क्वेश्चन को लगाना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन होगा, हम नॉर्मल मैथड से करेंगे तो, लेकिन अगर 2 सेकंड से करेंगे तो कोई भी हार्ड नहीं है। देखिए दोनों को प्राइम नंबर है, यहाँ से हमने देखा माइनस का वन आएगा, ठीक माइनस का वन करेंगे तो 2 सेकंड कितना हो जाएगा 6, और 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। ठीक है, अब इस 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, अगर हम इस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 × 56 कितना बचा 2, सॉरी 4 40 हो गया, 7 × 35 कितना बचा आपका 5, 51 हो गया, 7 × 3 49 ये 2 बचेगा, तो इधर बचेगा 2 × 1। 7 से इसको डिवाइड कीजिए, 7 से इसको कर लिया तो 2 आया, 7 से इसको करिए तो यहाँ पे 1 था यहाँ पे 2 है, तो जब 2 आया तो ये कितना आएगा ज्यादा आएगा, यानी कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ से शेषफल कितना बचा था 2, तो ये 2 हो गया, और ये कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 11, जो क्या होगा इस सवाल का आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उससे ज्यादा आ रहा है, तो उस संख्या से एक बार इसको और डिवाइड करेंगे, से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7 × 7 यही रिमाइंडर बचा 4, इनका जो आंसर होगा लास्ट तो वो होगा 4, क्योंकि ये जोड़ के बचना था 11, जो भी था क्या था जिससे डिवाइड कर रहे हैं उस संख्या से ज्यादा था, इसको एक बार और डिवाइड कर देंगे कितना बचेगा 4, तो ये हमारे इस सवाल का आंसर। ठीक है, आई थिंक समझ में आएगा बहुत अच्छी तरह से, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखें आपका ये, और ये क्वेश्चन आइडियल क्वेश्चन है, अब हमने यहाँ से इसका 101 अगर हम इसका कोसाइन निकालेंगे तो कोसाइन कितना होगा 1 कम होगा यानी 100 होगा, और 100 से अगर हम इसको भाग कर देते तो शेषफल 2 बचेगा, जब शेषफल 2 बचेगा तो 3 × 2 बचेगा, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये सवाल का रिमाइंडर होगा यानी आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए चीजों को कितनी आसानी से हम कर सकते हैं अगर हमें सही तरीका सही नॉलेज और सही रास्ता पता हो। ठीक है, तो इसलिए प्लीज
मैं आपसे बार बार यही कह रहा था कि वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, जिससे हमें जो चीजें आगे चल रही आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, जैसे हम मूवी देखते हैं कि सीक्वेंस बना रहता है कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा, वही हमें इसलिए याद रखना है कि हो सकता है कुछ हमें नया मिले, तो कुछ भी स्टेप मिस ना करें जिससे कि आपको ये पता चलता रहे कि आगे होना क्या है। ठीक है, मैं भी आप एक तरह से मूवी समझिए कि आगे कुछ भी हो सकता है, प्लीज चीजों को देखिए समझिए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि टाइम भी बचेगा आपका, हम समझ में तो आगे आ ही गया होगा, तो उसको मिटा दें। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपको, अब इसमें हमें वही काम करना है, कोसाइन देखेंगे कम होगा यानी कोसाइन कितना होगा 72 होगा, अगर 72 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2 बचेगा, यानी 5 की घात 2 तो यानी कितना हो जाएगा 25, जो क्या होगा इस सवाल का आंसर होगा, इसका रिमाइंडर कितना होगा 25 होगा। ठीक है, मेरा कोसाइन एक कम होगा यानी 72 होगा, 72 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से इसका 2 बचेगा यानी जो इसकी घात बच जाएगा। ठीक है, तो घात बनने पर रिमाइंडर कितना बच जाएगा 25। आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह से। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम ऐसी चीज का कोसाइन निकालना सिखाते हैं जैसे जो संख्याएं भाज्य होती है, यानी फैक्टोरियल नंबर होती है भाज्य संख्या, जैसे हमारा 90 है, अगर हमें इसे कोसाइन इसका निकालना है तो क्या करना है आपको, पहले छोटा नंबर ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 1 5 की पावर 1। ठीक है, अब अगर इसका कोसाइन निकालना तो कोसाइन कैसे निकालेंगे, 1 − 1/2 × 1 − 1/5, तो यहां बचेगा 10 × एलसीएम में 2 × 2 बन जाए 2, तो यहां से 2 − 1 कितना होगा 1/2, यहां से 5 × 5 से लिख जाएगा 4 यानी 5 बन जाएगा, माइनस 1 कितना होगा 4, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 10 पूरा डिवाइड होगा और 5 × 10 = 10 डिवाइड करेंगे तो कोसाइन कितना होगा इसका 4 होगा। ठीक है, अब जैसे हमें निकालना है 20 का कोसाइन, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। ठीक है, इसका कोसाइन कैसे निकालेंगे, इसका कोसाइन हो जाएगा 20 × 1 − 1/2 × 1 − 1/5। ठीक है, 20 × कितना हो जाएगा ऐसे नहीं कितना होगा 1 − 1 × 2, यहाँ पे कितना आएगा 5 × 5 − 1 = 4/5, तो 5 × 10 2 आ जाएगा यानी 4 × 8, इसका कोसाइन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कभी भी ऐसी संख्याएं जो भाज हो यानी फैक्टोरियल नंबर हो तो उनका कोसाइन कैसे निकालते हैं, उसके फ्रैक्शन कर लेते हैं, फ्रैक्शन किस तरह से कर सकते हैं देखिए, तो 4 × 4 = 20 होगा, 4 × 2 कितना लिख सकते हैं 2 × 2 = 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम नंबर में डिवाइड करके लेते हैं और उसका कोसाइन निकाल के सीधे भाग कर लेते हैं। ठीक है, और भी एक दो संख्याओं का देख लीजिए, ये तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा पूरी तरह से। ठीक है, एक दो नंबर से और समझाते हैं आपको कि कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल, जो फैक्टोरियल नंबर होती है भाज्य संख्याएं होती है उनका कोसाइन कैसे निकालते हैं। जैसे हमें इस 18 का कोसाइन निकालना, ठीक है, 18 का हमें कोसाइन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं 3 × 2 × 2। ठीक, तो इस 18 को हम लिख सकते हैं 18 × 1 − 1/3 × 1 − 1/2, यानी यहां से वो 18 3 × 3 − 1 = 2 2 × 2 − 1 = 1 2 × 3 = 6 और 6 × 3 = 18 यानी 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये इसका कोसाइन होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमें निकालना हो 90 का, तो 90 को कितना लिख सकते हैं, ठीक, 9 × 5 × 2 लिख सकते हैं, और 9 को कितना लिख सकते हैं 3 × 2 × 5 × 2 ये लिख सकते हैं, और इसका कोसाइन अगर हमें निकालना है तो 90 × 1 − 1/5 कर सकते हैं, 1 − 1/3 कर सकते हैं, 1 − 1/2 कर सकते हैं,
और यहाँ से कितना होगा 19 1 अपॉन 5 यही माइनस कराएंगे तो 4 अपॉन 5 2 अपॉन 3 1 अपॉन 2 ये कितना हुआ 3 5 15 दूनी 30 और 30 दिया 90 यानी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 दूनी 24 यानी इसका जो कोसेंट आएगा वो कितना आएगा 24 आएगा ये इसका कोसेंट हो गया ठीक है कभी भी अगर भाज्य संख्या का कोसेंट निकालना है तो उसके फ्रैक्शन का लेते हैं और उनका कोसेंट निकाल लेते हैं आई थिंक समझ में आया होगा आपको कोसेंट कैसे निकालते हैं तो अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिनमें संख्याएं कैसी हो बाहर चुके ठीक है यानी वो को प्राइम नंबर ना हो यानी सहवाज्य संख्या ना हो तो ऐसे संख्याओं का कोसेंट निकाल के हम उसको रिमाइंडर कैसे पता करते हैं अब हम ये सीखेंगे चलिए ठीक है इसको मिटाते हैं चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये और इसका कोसेंट कैसे निकालेंगे इस 10 का कोसेंट अगर हमें निकालना है तो 10 के फैक्टर करेंगे तो 2 * 5 होगा पावर 1 और 5 की पावर 1 इसका कोसेंट अगर हम निकालेंगे तो 10 * 1 - 1 / 2 * 1 - 1 / 5 ये tan * कितना होगा 1 / 2 * 4 / 5 और दूनी 10 10 से 10 डिवाइड ये कोसेंट कितना हो जाएगा 4 तो इसका कोसेंट जब 4 आया तो 4 से डिवाइड कर दिए 4 * 32 ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 2 की घात 1 यानी आंसर हमारा कितना हुआ 2 तो ये इसका क्या हुआ रिमाइंडर हुआ ठीक है आई होप समझ में आ रहा होगा और अगर कोई भी यानी अगर एक ऐसा नंबर है भाज्य संख्या है यानी फैक्टोरियल नंबर है जब ये फैक्टोरियल नंबर है तो इसका कोसेंट निकालने के लिए सीधे हमें क्या करना पड़ता है इसका कोसेंट होगा तो कोसेंट निकालने के लिए क्या करना है इसके फैक्टर का लेना है जो भी फैक्टर आएंगे उनमें बस देखना है माइनस वन करके तो फैक्टर इसका कोसेंट कितना है तो 4 है और इसी तरह हम और भी एग्जाम्पल ले रहे हैं ठीक है अगला एग्जाम्पल देखिए इसका अगला एग्जाम्पल एक और ले रहे हैं जैसे हमने लिखा 2 की पावर 34 अपॉन 10 अभी हमने इसका कोसेंट निकाला है कोसेंट कितना था इसका 4 यानी इसका कोसेंट हमारा हो गया 4 तो 4 को 4 से डिवाइड कर दिए 4 * 32 यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा 32 में 32 और 4 से घटाएंगे 2 बचेगा और 2 की घात 2 का मतलब 4 यानी इसका जो रिमाइंडर बचेगा 4 बचेगा ठीक है आई होप समझ में आ रहा होगा आपको अब अच्छे से तो पिछली वाले जो क्वेश्चन थे वो करा दिए थे हमने अब ये अगला क्वेश्चन था तो इसका क्वेश्चन कितना आएगा 4 यानी पावर डिपेंड करेगा कि कितना सी स्क्वायर बच रहा है भाई उसका क्या होगा कोसेंट होगा और कोसेंट सीधे पावर बना देंगे और जितना भी आएगा उसका रिमाइंडर होगा ठीक है चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका और इसका हमें कोसेंट निकाल के सीधे क्या करना है फैक्टर करना है तो इस 90 का कोसेंट कैसे निकालेंगे इस 90 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर * 2 और कितना हुआ 5 इसको हम लिख सकते हैं 9 * 2 * 5 ठीक है इस 90 को हम लिख सकते हैं 9 * 2 * 5 और इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का 2 3 की घात 2 2 की घात 1 और 5 की घात 1 ये 3 का स्क्वायर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 तो इसका अगर हमें कोसेंट निकालना है कोसेंट कैसे निकालेंगे 90 * 1 - 1 / 3 1 - 1 / 2 1 - 1 / 5 ये 90 * कितना होगा 1 2 / 3 1 / 2 4 / 5 एलसीएम लेंगे 3 - 1 2 बचेगा 2 - 1 1 बचेगा 5 - 1 4 बचेगा सीधे डिवाइड कर लेंगे 3 * 6 = 36 30 से अगर 90 को डिवाइड करेंगे तो 3 कितना बचा हमारा 3 * 2 * 4 यानी रिमाइंडर इसका जो कोसेंट होगा वो कितना होगा 3 * 6 और 6 * 24 ये कोसेंट आ गया 24 24 अगर हम 24 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 24 * 24 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 24 * 24 यानी 26 में से 24 घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा 7 की पावर 2 यानी आंसर कितना होगा 49 जो क्या होगा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर होगा यानी आंसर होगा ठीक है तो इस तरह से अगर कोई भी ऐसी संख्या हो जो क्या हो भाज्य संख्या हो
तो उसका 2 साइड फैक्टर करके निकाल सकते हैं या फैक्टोरियल नंबर, ऐसे संख्याओं का फैक्टर जो 2 साइड है वो कितना इस तरह से निकालेंगे और उससे डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा वो उसकी घात बन जाए और घात पावर निकालने में जो वैल्यू है वो उसका रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए फिर इसको रिमूव करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सा ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये, और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 9 = 3 की पावर 2, और इसका अगर हम 2 सेंट निकालेंगे तो 2 सेंट कैसे निकालेंगे, 9 × 1 − 1/3, और यहां से कितना हुआ 9 × 2/3, 3 × 9 3 × 2 = 9 कितना होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 × 2 मल्टीप्लाई कितना होगा 6 होगा, यानी इसका कोसाइन कितना है 6 है, और 6 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 6 × 2 = 8, यानी कितना बचा 2 बचा, तो यानी आंसर कितना होगा हमारा 4 होगा, ये इसका फाइनली आंसर होगा, यानी इसका रिमाइंडर कितना बचेगा 4 बचेगा, तो यही हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, इसको रिमूव करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, अब देखिए इस 18 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसका 2 साइड निकालना है तो 18 को हम लिख सकते हैं 3 × 2 × 2, 3 का स्क्वायर 9 × 9 = 18, तो अगर हम इसका हमें 2 साइड निकालना है तो 1 − 1/3 × 1 − 1/2, 18 × कितना हुआ 2/3 × 1/2, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, और 6 × 3 = 18, 2 × 3 = 6, इसका क्या हुआ 2 सेंट हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हमें 2 सेंट मिल गया, 2 सेंट कितना है 6 है, और 6 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 6 × 12 कितना बचा 2 = 25 हो गया, 6 × 24 यानी रिमाइंडर कितना बचेगा 2, यानी 2 की पावर 1 यानी रिमाइंडर बच जाएगा 2। ठीक है, इसका फाइनली आंसर क्या होगा 2 होगा, और ये बहुत इजी वे है, बहुत इजी मेथड है किसी भी संख्या का रिमाइंडर निकालने के लिए, तो हम अच्छे से सीखेंगे इस चीज को, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको रिमूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बढ़िया, देखिए ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, देखिए यहां से अगर हम 6 से इसको डिवाइड करें तो 6 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, इस 100 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 4 डॉट डॉट डॉट, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर कितना होगा 4। ठीक है, 10 को अगर हम कभी भी 10 के किसी भी स्क्वायर को, चाहे 1 घात हो चाहे 2 घात हो चाहे 3 घात हो, अगर 6 से डिवाइड करें, देखिए एग्जांपल के तौर पे हम अगर भी 10^1 अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 6 यानी रिमाइंडर 4 बचे, 10^2 को 6 से भाग करें तो ये 100 हो गया, और 6 से भाग करेंगे तो 16×6 = 96 यानी रिमाइंडर 4 बच जाएगा, अगर हम 10^3 को 6 से भाग करें यानी 1000 को अगर हम 6 से भाग कर दें तो 6×6 = 4 = 40 हो गया, 6×36 फिर 4×40 हो गया, अब कितना बचा 4 तो 6×36 यानी फिर रिमाइंडर 4 बचेगा, तो किसी भी पावर को डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा 4 बचेगा। अब यहां से देखिए हर कंडीशन में रिमाइंडर 4 बचेगा, तो आप देखिए 3 बार 1, 2, 3 अगर हम इन चारों को मिलाएंगे तो 3 × 4 = 8 × 4 = 12, और 12 क्या हुआ इस 6 से पूरा पूरा डिवाइड हुआ, ये 12 हुआ इनका योगफल, और अगले फिर ऐसी तरह 4 नंबर आएंगे, तो ऐसा 99 टाइम्स तक यानी 99 बार तक ऐसा होगा कि हर 4 3 बार में कैंसिल होगा, जैसे ये 3 हो गए अगले 3 कैंसिल हो जाएंगे, अगले 3 कैंसिल हो जाएंगे, और कहां तक 99 तक कैंसिल होगा, यानी 99 तक कैंसिल आउट होगा यहां से, तो हमारा लास्ट क्या बच जाएगा, लास्ट का नंबर 100वां नंबर बच जाएगा, तो क्या हुआ 4 हुआ, और इसका फाइनली आंसर क्या हुआ 4 होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत अच्छा एक तरह से बोल सकते हैं इसे,
और ये चीज हमने सीखनी है कि कैसे हम अप्लाई करते हैं चीजों को। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आज आपका रिमाइंडर जो हमारा लास्ट सेशन था और ये हमने अपना कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको मजा आया होगा समझने में, कोई किसी चीज में आसानी नहीं हो, अगर किसी भी चीज में कठिनाई आए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी बता सकती हैं। ठीक है, तो इसको रिमूव करते हैं फिर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपसे आशा करते हैं आप इसी तरह हम हमारी वीडियो को देखते हैं, और प्लीज अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितनी ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे भी फ्रेंडों को भी फायदा मिल सके, आपके जो भी रिलेटिव हों जो तैयारी कर रहे हो बच्चे SSC की, बैंक की, रेलवे की, पुलिस की, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हो, हम लगातार ऐसी वीडियो डालते रहेंगे जिससे कि आपको क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो मैथ्स में। मैक्सिमम जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे सारे आपको लिए जाएंगे और बिल्कुल बेसिक से समझा के हाई स्टैंडर्ड तक पहुंचा जाएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेस्ट ऑफ द लक। ठीक है, और थोड़ी बात और कहना चाहेंगे आपसे, जो बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो वर्तमान में वैकेंसी आई हुई है जैसे आपका पुलिस का है, तो जो बच्चे बैंक की पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो उनके पास टाइम कम है तो वो प्रॉपर लगे रहे हैं उन चीजों में। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास मात्र एक ही महीना है देखा जाए तो प्लीज आपको जो भी करना है इस एक महीने के अंदर करना है, वो आप जी जान लगा दीजिए क्योंकि आपका भविष्य सही है। देखिए, करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी, कुछ भी कीजिए अपनी लाइफ में, लेकिन अभी जो हमारा एक महीना है ये सबसे कीमती समय है हमारे लिए। ठीक है, और जो वैकेंसी आ भी गई है CGL की, जो बच्चे CGL के लिए इंटरेस्टेड है तो अपना फॉर्म डाल सकती हैं, और यही कहेंगे आपसे कि फालतू की चीज़ों से भी थोड़े दिन दूर रहें, जैसे जो बच्चे अपने जानू बेबी बाबू से जुड़े हुए तो प्लीज़ थोड़ी दिन के लिए उन चीज़ों को क्षमा कीजिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये कीमती टाइम दोबारा नहीं आएगा आपका। क्योंकि हमने देखा है कि आज अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, ऐसा मानना है लोगों के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है कि जॉब नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मानना है लोगों का। तो प्लीज़ आप अपनी कीमती टाइम अभी गवाइए मत, जो आपका टाइम है और जितना भी आपको टाइम मिल रहा है, जितना भी आपके पास टाइम है वीक में, तो आप चाहें तो इस महीने में बहुत कुछ कर सकती हैं। इसके लिए आप प्लीज़ अपने आप को इस तरह से मोटिवेट कीजिए, जरूरी नहीं किसी का मोटिवेशन जरूर, अपने आप को खुद सेल्फ मोटिवेट कीजिए, जरूरी नहीं किसी के कहने पर हम पढ़ें, हमें खुद देखना चाहिए कि हमें करना क्या है। ओके, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे हम। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे फ्रेंडों को भी फायदा मिले, एंड बेस्ट ऑफ द लक योर कैरियर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय, गुड नाइट।